वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी आखिर कॉडिट और रेसलमेनिया एक्सेल के नाइट वन में टैग टीम मैच के टाइम पिन क्यों हो सकते हैं। तो देखा जाए तो रेसलमेनिया एक्सेल की नाइट वन में काफी धमाकेदार मैच देखने को मिलने वाली है और जैसा कि हम लोग जानते हैं रोमन रेंस और द रॉक का सामना कॉडिट और सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है। देखा जाए तो जो भी रिजल्ट नाइट वन में आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नाइट टू के रिजल्ट में होने वाला है। और आपको बता दें रिसेंटली ये काफी कन्फर्म है कि द रॉक और रोमन रेंस मैच जीतने वाले नाइट वन में। अभी के टाइम में कुछ रीजन से ऐसा लग रहा है कि कॉडी रॉड्स टैग टीम मैच में पिन हो सकते हैं। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगी आखिर किन वजह से कॉडी रॉड्स पिन हो सकते हैं। तो गाइस लिटरली वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। देन नंबर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं तो WWE रेसलमेनिया एक्सेल के नाइट टू में कॉडी रॉड्स को एक अंडरडॉग की तरह दिखाया जा सकता है। देखा जाए तो अभी के टाइम में कॉडी रॉड्स ही बेबी फेस के रूप में काम कर रहे हैं और जो भी सुपरस्टार बेबी फेस की तरह रहते हैं उनका सफर आसान नहीं होता है। ऐसा तो 100% देखने को मिल सकता है कि कॉडी को रोकने के लिए द रॉक कुछ भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो अभी के टाइम में WWE भी कॉडी रॉड्स के रास्ते में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज लाने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये बात बता दूं कि अभी के टाइम में WWE साफ तौर पर अमेरिकन नाइटमेयर को रोमन रेंस के अगेंस्ट एक अंडरडॉग के रूप में लाना चाहेगी और ऐसे में कॉडी रॉड्स को नाइट वन में पिन होने के लिए बुक किया जा सकता है। और देखा जाए तो ये स्टोरी लाइन काफी अच्छा हो सकता है WWE अगर इसे इस तरह से बुक करती है तो। और नंबर सेकंड पॉइंट को डिस्कस को तो सेथ रॉलिंस को WWE वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले पिन नहीं करवाना चाहेगी WWE। तो सेथ रॉलिंस के पास अभी के टाइम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, वो नाइट टू में ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट इस टाइटल को दांव पर लगाने वाले हैं। अगर WWE ने रोमन रेंस और द रॉक की जीत का प्लान बना लिया है तो सेथ रॉलिंस को पिन करने के लिए बुक करना एक WWE का गलत फैसला हो सकता है। बतौर चैंपियन सेथ रॉलिंस अभी के टाइम में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर साल के इतने बड़े इवेंट में उनका टाइटल दांव पर लगेगा और ऐसे में अगर वो पिन हो जाते तो इनमें उनका ही नुकसान होने वाला है। और आपको बता दूं तो फैंस को पहले से ही पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो फैंस एकदम भी एक्साइटेड नहीं देखने को मिलेगी। और नंबर थर्ड और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करूं तो द रॉक को थप्पड़ चढ़ने के बाद कॉडी रॉड्स डेफिनेटली पिन हो सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम में द रॉक ऐसा ही चाहते हैं कि कॉडी रॉड्स किसी न किसी तरह से पिन हो जाए। तो जैसा कि हमें देखने को मिला था पहले द रॉक ने कॉडी रॉड्स को थप्पड़ मारा था, देन फिर कॉडी रॉड्स ने स्मैकडाउन के एक एपिसोड पे द रॉक को थप्पड़ लगा दिया था। अभी द रॉक कुछ भी नहीं किए थे। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि कॉडी रॉड्स का द रॉक के साथ एक सिंगल मैच पक्का देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 के बाद। तो देखा जाए तो द रॉक काफी सालों बाद WWE में आए हैं, ऐसे में कॉडी रॉड्स और द रोमन रेंस के साथ उनका सिंगल मैच देखने को मिल सकता है, ऐसा काफी प्रिडिक्शन है अभी के टाइम में। बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि द रॉक का स्केड्यूल काफी बिजी रहता है। ऐसे में WWE उन्हें सिर्फ रोमन रेंस के साथ मैच में बुक कर सकती है, ना कि कॉडी रॉड्स के साथ। और आपको बता दूं ऐसा डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि द रॉक कॉडी रॉड्स से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए रेसलमेनिया में उन्हें पिन कर सकते हैं। तो ऐसे में वो मैच देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 40 में क्या कुछ होने वाला है कमेंट सेक्शन जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।